ये खामोशी आने वाले तूफान का एक संकेत है कि तू कुछ करके दिखाएगा, या फिर परिस्थितियों से डरकर भाग रहा है और वापस अपने घर को वापस जाएगा। तेरे हर एक सवाल का हल तेरे पास है। नाकामयाब होकर सफल कैसे होना है उसका फार्मूला भी तेरे पास है। चैंपियन बनना इतना आसान नहीं, ये तो यहाँ हर कोई चैंपियन बनकर घूम रहा होता। जितना पसीना बहाएगा अपने जोश को तो उतना ही बड़ा है। आई एम द बेस्ट, यह अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बेशक आप रनिंग में जैसे भी हैं, आपका रैंक कुछ भी, आपकी स्पीड की लिमिट कुछ भी है, मगर अपने ऊपर विश्वास कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। क्योंकि लोग भी आप पर तभी विश्वास करेंगे जब आपका खुद पर विश्वास है। एक 20 साल का लड़का जो अपने रनिंग करियर की शुरुआत कर रहा था और वह पूरी दौड़ में सबसे आगे लीड कर रहा था, और उसके और उसके जीत के बीच में मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता था, और अचानक एकाएक थकान ने उसे जकड़ लिया, और जहां पर वह पहले स्थान पर लीड कर रहा था, देखते ही देखते वह सबसे अंतिम स्थान मतलब कि 30वें स्थान पर उस बंदे ने खत्म की। वह उस हार से इतना नाराज था कि उसने उस समय के लिए रनिंग का त्याग कर दिया, और वही बंदा आज 5000 मीटर और 10000 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जोशुआ चेप्टेगू। सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है जीरो से, अब उसके आगे कितने नंबर और कैसे लगाने हैं वो आपकी कड़ी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। रनिंग ट्रैक पे अपने दोस्तों के साथ जाके 2 राउंड मारकर तू सोचता है कि तू रिकॉर्ड बना लेगा, तो यह तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके लिए तुझे कड़ी मेहनत और हर दिन अपने आप को तपाना पड़ेगा। अगर दौड़ने के लिए किसी का साथ का इंतजार कर रहे हो ना, तो कभी दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरे का साथ इंसान तभी देखता है जब उसे खुद पर डाउट होता है, और साथ के चक्कर में कभी पंक्चुअल हो ही नहीं पाओगे, ना फील्ड में ना फील्ड के बाहर। चाहे कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, मगर अपने काम के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ईमानदारी ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। रनिंग एक साधारण नहीं बहुत असाधारण कला है जो बहुत वर्षों के प्रयास के बाद इंसान सीखता है, और आप में यह आत्मविश्वास जगाता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जीतना और हारना इट्स डजंट मैटर, बिकॉज अब कई बार आपको जीत कर भी खुशी नहीं होती, और कई बार आपको हार कर भी बहुत खुशी होती है। अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा अपनी कमजोरी पर ध्यान दें, अपनी टांगों से ज्यादा अपने बाजुओं और अपने नर्व्स पर ध्यान दें, क्योंकि जितनी जल्दी तू हाँफेगा तेरा प्रतिद्वंदी तुझे उतनी जल्दी भांपेगा। रनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लंबे रूट से ही जाना पड़ेगा, जो एक वक्त है वो आपको उसमें लगाना ही पड़ेगा। दिन प्रतिदिन आप में और आपके वक्त में परिवर्तन होता चला जाएगा, और उस चीज को आप खुद महसूस करेंगे कुछ वक्त के बाद। जिस दिन महसूस करेंगे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।